Hey, what's up guys, I'm Akash and you're watching Akash Talks. So, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं regarding the decisions that will be taken by our respected Bombay High Court and the decisions that will be taken by Supreme Court regarding the conduction of ICSE, IAS and CBSE examinations. ठीक है, तो तुम सारे स्टूडेंट्स जानते हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर बहुत सारे ICSE के पेरेंट्स जाके यार केस किया था regarding the examinations that are taken by ICSE Council. एंड इसी के साथ यार कुछ पेरेंट्स ऑफ CBSE जाके यार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके यार केस फाइल किया था, जिसके अंदर हमने यार न्यूज लेके पहले ही बात किए थे. तो यार जो हमको अभी तक सुनाई दे रहा है कि यार उसका डिसीजंस आने वाला है बहुत जल्दी, फिर कल आने वाला है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर. एंड इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी यार डिसीजन बहुत जल्दी आने वाला है. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स था इंस्टाग्राम के अंदर, टेक्स्ट था या फिर टेक्स्ट किए थे मेरे को कि भैया क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट रैदर लेने वाला है. तो यार देखो, हमने कुछ पॉइंट्स को लेके बात करेंगे. ठीक है यार, बहुत सारे पॉइंट्स को लेके बात करेंगे जिसके अंदर ये सारे चीज डिपेंड करेगा. एंड अगर तुम ICSE, IAS एंड CBSE 2020 के स्टूडेंट्स हो यार, वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद तुम अपना ओपिनियन ऑब्वियसली देना. बट यार इधर जो भी डिसीजन इधर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट लेगा, ये बहुत ज्यादा एक रेलिवेंट डिसीजन होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर बोर्ड्स बट ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है यार, तो देखो यार, तुम सारे स्टूडेंट्स जानते हो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जाके बहुत सारे पेरेंट्स ने अपील किया था कि देखिए इस सिचुएशन के अंदर हम एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. ऑब्वियस, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. एंड उसके कुछ दिन के अंदर हम क्या देखे है? उसके कुछ दिन के अंदर हम ये देखा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट कैंसिल क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल स्टूडेंट्स आर प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल असेसमेंट. ओके, एंड उसके एक दिन के बाद ही तमिलनाडु गवर्नमेंट का भी यार डिसीजन लिया गया रिगार्डिंग द एग्जाम्स कैंसिलेशंस. एंड उन्होंने यार सेम चीज बोला लाइक अवर तेलंगाना दैट तमिलनाडु कैंसिल क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड ऑल द स्टूडेंट्स टू बी प्रोमोटेड एंड द प्रोमोशन विल बी बेसिस ऑन देयर अटेंडेंस. एंड जो भी चीज को हम लेके बात किए थे, डिस्कस डिटेल्स वीडियो हम उधर बात किए थे. ठीक है, तो भैया ये दो चीज क्या मैटर करेगा इधर? हाँ यार, ये दो चीज ऑब्वियसली मैटर करेगा, क्योंकि जब भी यार बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसीजन सुनाएगा यार, एंड राइट नाउ वी ऑल नो दैट 12 जून इज द डेट जिधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाएगा. ओके, वेरी गुड. अच्छा, इसी के साथ और क्या मैटर कर रहा है? इसी के साथ तुम्हारा मैटर कर रहा है कि यार इसराइल का केस, मैं पहले इसके ऊपर बात किया था कि जब भी यार कोई भी बोर्ड या फिर जब यार कोई भी कोर्ट किसी चीज के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट रखते या फिर किसी चीज के ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो दैट पर्टिकुलर थिंग नॉट ओनली सी के यार क्या हो रहा है, ठीक है, वो ये भी देखेगा कि यार वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है. अच्छा, इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स मिलकर ये लेके बात कर रहे थे कि भैया जिधर हॉटस्पॉट जोन्स नहीं है, क्या उधर ICSE कंडक्ट कर सकते हैं या फिर क्या उधर ICSE एग्जाम हो सकते हैं? देखो यार, मैं अपना स्टेटमेंट अभी नहीं देने वाला हूं, ठीक है, पहले हम हर एक केस को देख लेते हैं. अच्छा, इसके साथ और एक केसेस है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड काउंसिल 6 ICSE प्री बोर्ड मार्क्स. काउंसिल ने ICSE से प्री बोर्ड मार्क्स, मतलब स्कूल से प्री बोर्ड मार्क्स मांगे हैं. तो इधर ये देख के हमको यही लगता है कि यार काउंसिल अपने तरफ से अपने आप को तैयार करवा रहा है अगर एग्जाम कैंसिल करना करने के लिए हो. ऑन दैट टाइम उसके पास भी यार कुछ चीजें रहेगा जिसके बदौलत वो डिसीजन ले पाएगा कि क्या वो करेगा क्या नहीं. वेरी गुड. CBSE's decisions to hold the remaining board examinations from July 1 and चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट यार जब इसका डिसीशन लेगा ना यार, तो निर्भर करेगा तेलंगाना का केस के ऊपर, निर्भर करेगा तुम्हारे बोल सकते हो यार तमिलनाडु का केस के ऊपर. एंड तेलंगाना गवर्नमेंट जो भी यार चीज बोला है रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट दोज आर हॉटस्पॉट, अगर हैदराबाद के अंदर अगर एग्जाम नहीं होगा ऑन दैट टाइम मुंबई के अंदर एग्जाम कैसे यार कैंसिल नहीं कर सकता है. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा, इसके साथ हमने क्या लेके बात करेंगे, तेलंगाना केस हो गया, तमिलनाडु केस भी हो गया, तमिलनाडु का केस को लेके अगर तमिलनाडु के अंदर अगर तुम लोग बोल सकते हो कि इतने सारे स्टूडेंट्स दोस मतलब करीब करीब 9 लाख स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग द एग्जाम और द एग्जाम हैज बीन कैंसिल फॉर देम SSC या फिर SST क्लास 10 एग्जामिनेशंस, तो भैया क्या इट्स फिजिबल है ICSE के लिए एग्जाम लेना? तो इसके ऊपर भी निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट को एंड बॉम्बे हाईकोर्ट को कि व्हाट द डिसीजंस दे विल टेक. ये सारे चीज के ऊपर मैटर या फिर निर्भर करेगा. ठीक है, डिपेंड करेगा, इट विल सोली डिपेंड ऑन ऑल दिस थिंग्स. वेरी गुड. अच्छा, वेरी गुड. आफ्टर दैट और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया अगर एग्जाम होगा तो हम प्रिपरेशन करेंगे ना. यार देखो यार, अभी मैं राइट नाउ इस पोजीशन में तुमको कुछ बोल नहीं पाऊंगा. मैं सिर्फ और सिर्फ पहले से यार एक ही बात तुमको यार बोलता हूं कि अपना प्रिपरेशन पूरा करके रखना. क्यों भैया? अपना प्रिपरेशन इसीलिए पूरा करके रखना
क्योंकि यार चाहे एग्जाम कंडक्ट हो चाहे एग्जाम कंडक्ट ना हो, तुम्हारे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। देखो यार, राइट नाउ इन दिस पोजिशन कोई बोल नहीं पाएगा क्या होगा, ठीक है यार। लेट्स द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट आने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट थिंग्स इज हैपनिंग एंड क्या बोर्ड इसके ऊपर, जेडीआर तुम सर क्या इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। एंड इसके साथ और एक जो केसेस था, दैट इज युवा सेना हु इज अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मतलब शिवसेना जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जो हेड है, उन्होंने यार क्या बोला था कि हम एग्जाम कंडक्ट करने ही नहीं देंगे आईसीएसई एंड सीबीएसई का, क्योंकि इधर हम लोग अपने बच्चे को यार इधर खराब जगह में, मतलब इतने डेंजरस एरिया में यार जाने के लिए धकेल नहीं सकते यार। हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसी के साथ ये बात आता है, चाहे तो अगर क्लास 10 का एग्जाम कैंसिल भी कर दे, 12 का 12वीं का एग्जाम कैंसिल कैसे करें, तो ये सारे चीज अभी देखने के लिए यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने डिस्कस किया क्या क्या मैटर के ऊपर निर्भर करते हुए सुप्रीम कोर्ट एंड एज वेल एज अवर बॉम्बे हाई कोर्ट विल गोइंग टू टेक द डिसीजंस। राइट नाउ यू कमेंट मी बिलो कि इसके अलावा और क्या पॉइंट्स है जिसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट विल सी दिस थिंग एंड गिव अ डिसीजंस और डिक्लेयर एनी डिसीजंस, एंड वी वांट दैट डिसीजंस दैट शुड बी इन फेवर ऑफ ईच एंड एवरी ICSE, ISC, CBSE 2020 बोर्ड स्टूडेंट्स। सो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव अ गुड टाइम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।